हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं मैथ का एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी और ये कोर्स स्पेशली आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरपीएफ, एसएससी, जीडी, हरियाणा एसएससी, अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम रहेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको इस कोर्स की हर एक वीडियो को देखना है और हर एक वीडियो का अपडेट पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है तो आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी कि लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो मैं क्वेश्चंस को हिंदी में कराऊंगा। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप पहले वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके सपोर्ट करते थे, तो अभी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं इस कोर्स को पूरा कंटिन्यू रखूँ जब तक आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ा। यदि कुल सामानों की संख्या 700 है और उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ। देखिए, ठीक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि जब विकास ने उसको 12,000 रुपये में खरीद लिया और 2,000 रुपये उसे दुकान तक लाने में अतिरिक्त खर्च पड़ा, तो ये 2,000 रुपये अब ऐड करेंगे कॉस्ट में, उसकी लागत में, या नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे उसने 12,000 रुपये का तो सामान खरीदा, फिर 2,000 रुपये से लाने तक, दुकान तक लाने में कैरिएज का खर्चा पड़ा, तो इसका मतलब ये होगा जो 14,000 रुपये बन गया, अभी ये 12,000 + 2,000 ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जिसमें आपने परचेज कराया ना, तो सीपी कितनी हो गई, 14,000। बहुत से बच्चे इसको 12,000 से क्वेश्चन को कर देंगे तो आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल जो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्राइस है सामान का, वो 14,000 रुपये है। यहाँ पे बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितने हैं, 700 हैं। तो पर एक, मतलब अगर मैं बोलूँ कि कितने का उसने खरीदा, हर एक गुड़ को कितने का खरीदा उसने, गुड्स मतलब यहाँ पे सामान होता है, ठीक है, यानी कि उसने कितने में खरीदा, तो हम क्या करेंगे, 14,000 को 700 से भाग कर देंगे, यानी कि उसने 20 रुपये का एक सामान खरीदा। ठीक है, 20 रुपये का एक सामान खरीदा और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस दे रखा है 23 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। उन्होंने बताया कि 700 संख्या है टोटल सामानों की, और यहाँ पे बोला जा रहा है 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ। तो 20 रुपये का सामान उसने 23 रुपये में बेच दिया, 20 रुपये का सामान 23 रुपये में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। अब बस आपको ये किस में कन्वर्ट करना है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज हमें, चाहे आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो किस पे निकलती है, वो सीपी में निकलती है, कॉस्ट प्राइस में निकलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी कि लागत जिसको बोलते हैं, तो 3 अपॉन में कितना आएगा, 20, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 20 से 100 जाएगा 5 टाइम, और 5 की 3 में करेंगे तो 15%, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो 12,000 है इसको ही सीपी मान के, इसको 700 से डिवाइड करके, और यहाँ पे जो सीपी आएगा फिर वो गलत आएगा ना, तो यहाँ पे जो 2,000 रुपये अतिरिक्त खर्च पड़ा है लाने में, ये भी उसकी लागत में ही ऐड होगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, करेंगे कैसे, यहाँ पे आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 20 दर्जन है, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 की अगर मैं 20 में मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल अंडे कितने हो गए, टोटल एग्स कितने हो गए, ये आपके 240 हो गए। यहाँ पे टोटल एग्स जो खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं, 720 रुपये में। तो प्रति एग की जो प्राइस है, कॉस्ट है, यानी कि लागत है, यानी कि क्रय जो वैल्यू है उसकी, वो कितनी हो जाएगी, 720 को हम 240 अंडों से भाग कर देंगे, यानी कि 740 के मैंने 240 अंडे खरीदे, सॉरी 720 के 240 अंडे खरीदे, तो आपको क्या करना है, 720 को 240 से भाग करना है, तो कितना होगा, 3 टाइम जाएगा, यानी कि आपने 3 रुपये प्रति अंडा खरीदा, 3 रुपये का खरीदा एक अंडा, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, उस पर 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। तो जो आपने 3 रुपये का एक अंडा खरीदा, इसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो कितनी होती है, 100%। तो ये आपका 100% की वैल्यू है, और आपको बनानी कितनी है, 120% की, जो आपको
प्राइस बनाना है ना, वो जो सेलिंग प्राइस जिसमें आपको 20% का प्रॉफिट इंक्लूड करना है, वो 120% हो जाएगा, क्योंकि लागत से कितना ऊपर बढ़ाना है हमें 20%। तो यहाँ पे 3 को 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको कट करेंगे 0 से 0 तो कितना हो जाएगा 12 या 36, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6, यानी कि 3.06 रुपये का, यानी कि 60 पैसे का अगर मैं इसको बेचूं तो यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची, ठीक है, यानी कि एक साइकिल उसने बेची, उस पर 8% का लाभ कमा लिया। यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य था, तो आपको क्या बताना है, सीपी बताना है, ठीक है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सीपी हमारी क्या होती है, 100% होती है, सभी को पता है। अनिरुद्ध ने जो 8% पे के लाभ पर बेची थी तो कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं 8% के लाभ पर बेचूंगा किसी चीज़ को तो वो सीपी से 8% ज़्यादा होगी, तो हमारी जो लागत है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारी, वो 100% है, और उसमें 8% का प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे वो तो 108% हो जाएगी, ठीक है। तो 100 से बढ़ के 108% हो गई, तो अनिरुद्ध ने जब 8% के लाभ पर बेचा था तो उस वस्तु को 108% पे बेचा होगा, ठीक है। फिर अनिरुद्ध ने क्या किया, 75 रुपये बढ़ाकर बेचा, तो उस पर क्या होगा, उसे 14% का लाभ हो गया। 14% का लाभ का मतलब क्या हो गया, अब सीपी से कितना बढ़ेगा, सीपी हाँ आपकी 100 होती है तो 14% बढ़ेगा, यानी कि 114% पे उसने ये बेची होगी चीज़। अब मुझे ये बताइए, 108 से बढ़ के 114 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आपका आ गया सीधा सीधा 6 का, ठीक है, 6% का डिफरेंस आया। और ये किसकी वजह से आया, जब 75 रुपये बढ़ाए तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आया, तो 6% बराबर कितना हो जाएगा, 75। और आपको क्या निकालना है, आपको सीपी निकालनी है, क्रय प्राइस निकालना है, लागत निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, 6% के इक्वल 75 है, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 75 को 6 से भाग कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 12.5, 12.5 की 100 में करेंगे तो 1250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। भाई इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं 8% का लाभ कमाता हूँ किसी चीज़ पे, तो जो आपका क्रय प्राइस होता है ना, लागत होती है, वो 100% होती है, तो उसमें 8% बढ़ाएंगे तो तभी उसे लाभ पर बेचा जाएगा। अगर कभी भी लॉस की बात की जाती है, हानि की बात की जाती है, तो यही मतलब मान लीजिए यहाँ पे 8% की हानि होती है आपको, ठीक है, हानि होती, तो उसमें आपको क्या करना था, 100 में से 8 को माइनस करना था। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक दुकानदार ने 8 रुपये में 9 के हिसाब से नींबू खरीद कर 9 रुपये में 8 रुपये के भाव से बेच दिए, तो पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत बताओ। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, और ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, पर कोई बात नहीं है, इसको कराने की बहुत ही सिंपल सी साधारण सी ट्रिक है, उसको जान जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ने में भी टाइम नहीं लगाएंगे और उसको पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं रखेंगे। यहाँ पे जब भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अजीब सा लगता है कि एक दुकानदार ने 8 रुपये में 9 के हिसाब से नींबू खरीद कर 9 रुपये के भाव से बेच दिए, तो पूरे सौदे में हानि हुआ, लाभ हुआ। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, 8 रुपये को आपको रुपये मान लेना है और 9 के हिसाब से बोला है तो इसको क्वांटिटी मान लेना है, यानी कि ये चीज़ आपने 8 रुपये में 9 नींबू खरीदे ऐसे सोच लेना है और 9 रुपये के 8 बेच दिए, इस तरीके से आप सोच के करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो एक साइड में आप लिखिए प्राइस और एक साइड में लिखिए क्वांटिटी, ठीक है। तो 8 रुपये के 9 नींबू खरीद कर 9 रुपये के 8 बेच दिए, तो सीधी सी तो बात आपको यहाँ पे पहले नज़र आ गई होगी कि प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपने कम प्राइस में ज़्यादा नींबू खरीदे और ज़्यादा प्राइस में कम बेच दिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो हुआ है। अगर आपको यहाँ पे अभी भी समझ में नहीं आया कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो कोई जानने की जरूरत भी नहीं है, बस उठा के इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, एक साइड में रुपीज़ वाली मतलब वैल्यू रखनी है, एक साइड में क्वांटिटी वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आपका रुपीज़ हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, क्रॉस इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 8/64, 9/81 ये आपका आ गया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी क्वांटिटी ये रुपीज़ वाली साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट, और क्वांटिटी वाली साइड छोटी आती है तो लॉस होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्वांटिटी वाली साइड यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि रुपीज़ वाली साइड बड़ी है, अगर ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी तो लॉस होगा।
अगर यहाँ पे क्वांटिटी वाली साइड बड़ी हो जाए, मान लीजिए ये यहाँ पे 64 इस साइड में होता और ये 81 यहाँ पे होता, तो आपका इस प्रॉफिट में होता लॉस। अभी जो कंडीशन है इसमें हो रहा है प्रॉफिट। जब भी रुपीज़ वाली साइड बड़ी हो जाएगी तो ये आपका प्रॉफिट, और जब भी क्वांटिटी वाली साइड बड़ी हो जाएगी तो ये आपका हो जाएगा लॉस। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई। अब कितने का डिफरेंस है इसमें, इससे में और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 17 का डिफरेंस है। इसका मतलब आपका 17 का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट तो हो गया है, अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालें, कौन सी चीज़ कौन सी वैल्यू नीचे रखें, कि हमें ये तो नहीं पता चला इसमें ये सीपीआई है या ये सीपीआई। इतना तो हम जानते हैं कि जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है चाहे लॉस परसेंटेज होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, बट अभी इनमें से नहीं पता कि इनमें से कौन सा सीपी है आपका। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा जब भी प्रॉफिट होता है तो नीचे छोटे वाली वैल्यू आती है। प्रॉफिट मतलब कि ज़्यादा, सोच के देखिए, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा होना चाहिए बट नीचे छोटे वाली वैल्यू आएगी। लॉस होगा तो नीचे बड़े वाली वैल्यू आएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है दो वैल्यू को देख करके, इसमें से कौन सा सी पी है और कौन सा आपका मतलब सेलिंग प्राइस है, कौन सा आपका कॉस्ट प्राइस है, लागत प्राइस है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका अगर लॉस निकालना है आपको तो नीचे बड़े वाली वैल्यू रखिएगा, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो नीचे छोटे वाली रखिएगा। तो यहाँ पे हमें पता है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के टाइम पे हमें छोटे वाली रखनी है, तो 17/64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो कितना आएगा, 26 सही 3/16% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी का फेसबुक पेज, बस आपको सर्च करना होगा टॉपिक स्टडी, इंस्टाग्राम पे भी सर्च करना होगा टॉपिक स्टडी। आप मुझे भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं सौरभ मलिक सर्च करके फेसबुक पर, ठीक है। तो कहीं पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जब तक भी मैं देखूंगा आपका क्वेश्चन तो जरूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है कि एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है तथा सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है, तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाभ की, तो भाई वो जब खरीदते समय भी गड़बड़ कर रहा है और बेचते समय भी गड़बड़ कर रहा है तो वो तो दोनों तरफ से लाभ कमा रहा है ना। जब वो 10% की गड़बड़ करता है खरीदते समय तो यहाँ पे भी वो प्रॉफिट में आ गया, और जब वो बेचते समय गड़बड़ करेगा 10% की तो तब भी वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, इन दोनों परसेंटेज का 1% बनाना है। दो परसेंटेज है ना आपके पास, एक बार जब वो खरीदता है जब गड़बड़ करके प्रॉफिट कमा लेता है 10% का, और जब वो बेचता है तब गड़बड़ करके 10% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो टोटल मिला के कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है। तो 10-10 करके आपको बस सीधा सा ये इफेक्टिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, ये वाला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, फिर प्लस 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, प्लस 10 × 10 करेंगे अपॉन में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा इधर 1, तो 21% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत से बच्चे ये भी कर देते हैं कि 10 + 10, इसका मतलब, और ऑप्शन में भी मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे इसमें तो नहीं है बट यहाँ पे मान लीजिए ऐसा भी मिल सकता था आपको 20%। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अच्छा 10% का प्रॉफिट उसने बेचते टाइम कमा लिया और 10% का प्रॉफिट सॉरी खरीदते टाइम कमा लिया और 10% का उसने बेचते टाइम कमा लिया, इसका मतलब 20 उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, बट ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर 21 होगा। इफेक्टिव परसेंटेज का यूज क्या करें, क्योंकि जहां पे भी आपको 2% की 1% बनानी है तो इफेक्टिव परसेंट इज द बेस्ट मेथड टू मतलब कंबाइन बोथ द परसेंटेज। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताओ, लाभ और हानि प्रतिशत, मतलब कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। आप मुझे बताइए 50 पेनों को क्रय मूल्य, आपने 50 पेन खरीदे, ठीक है, और 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि आपने 40 पेन बेचकर ही उतना कमा लिया जितना आपने 50 पेन खरीद कर मतलब खरीदा था, तो आपको ये बताइए इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। सीधा सीधा सी बात है, प्रॉफिट हुआ ना। आपने क्या किया, 50 चीज़ें खरीदी थी, ठीक है, और जितने की ये 50 चीज़ें खरीदी थी ना उतने आपने 40 चीज़ें बेच के, पेन की बात कर रहा हूँ मैं, 40 पेन बेच के कमा लिया, तो कितना पेन आपने बचा लिया, 50 में से आपने 40 पेन ही बेचे और आपने कमा लिया 10 पेन बचा लिए, यानी कि 10 पेन का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी है, इनमें से कौन सा बड़ा है, सॉरी प्रॉफिट है तो इनमें से कौन सा छोटा है, तो नीचे आपका छोटे वाला आएगा, तो 10/40 और 100 आपको करना है। ठीक है,
जीरो से जीरो इससे कट करेंगे 25, तो 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के पांचवें भाग के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के पांचवें भाग के बराबर लाभ होता है। अब पांचवा भाग किसका बोला? विक्रय मूल्य का। अब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? 90। तो 90 का आपको 1/5 भाग निकालना है और वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपकी 90 हो गई, ठीक है, इतने। और यहाँ पे क्या बोला? सेलिंग प्राइस का, यानी कि विक्रय मूल्य बोला है ना, तो सेलिंग प्राइस का 1/5 प्रॉफिट है। तो 90 का आपने 1/5 निकाला, 18 आया, 18 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ऑब्वियसली बात है। तो 90 में से 18 को हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका? 72। तो कॉस्ट प्राइस जो है आपकी, लागत जो है वो 72 हो गई। तो कॉस्ट प्राइस आपकी 72 है, तो निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? नीचे क्या रखते हैं? नीचे हम छोटे वाली वैल्यू बोली या फिर सीपी रख देते हैं, यानी कि सीपी बोल सकते हैं हम इसको। तो 18/72 गुणा कर देंगे 100 से, तो 18 से 72 जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 से ये जाएगा 25 बार, तो आपका 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन कि इसमें सीपी नहीं दी हुई थी और सीपी आपको निकालनी थी, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी थी, क्रय प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसका 18% निकाला, 90 में से 18 माइनस किया, 72 आ गया, तो सीपी आपकी आ गई। तो इसके बाद तो आप इजीली क्वेश्चन को कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है और है आपका। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत होता कुकर का क्रय मूल्य 20% लाभ होता, तो क्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी सी बात है, 16% का लाभ होता था किसी कुकर को बेचने पर, 20 रुपये अधिक पे बेच दूँ तो 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि 16 से 20 बढ़ गया, कितना बढ़ा? 4% बढ़ा। और ये 4% किसकी वजह से बढ़ा? इस 20 की वजह से बढ़ा। जब 20 रुपये बढ़ा के बेचा जा रहा है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है, कितने से? 4% से। तो 4% की वैल्यू अगर आपको मिल गई 20 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आपका 100% होता है। तो सीधा सीधा से यहाँ पे 4% बराबर 20 है, तो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 4 से 20 जाएगा 5 बार, और 5 की 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, यदि इस पर 30% लाभ प्राप्त करना हो तो इसे विक्रय मूल्य में कितने रुपये में वृद्धि करनी होगी, इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। देखिए, यहाँ पे भी सीधी सीधी सी बात है, आपको 420 रुपये में किसी वस्तु को बेचते और 20% का लाभ कमाते, यानी कि ये 420 जो हो गया, ये कितने परसेंट के इक्वल हो गया? ये आपका 120% के इक्वल हो जाएगा। भाई, जब आप इस पे 420 में बेचने पर 20% का लाभ कमाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये 120% की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि इस पर 30% का लाभ कमाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 130 से। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जब 420 में बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 120% की वैल्यू क्या है? 420 है। और 130%, यानी कि 30% का प्रॉफिट आपको कमाना है, तो 130% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 420 को 120 से भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 130 से, तो जाएगा 3.5, और 3.5 की 130 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 455। आपका राइट आंसर 455 नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इन्होंने पूछा है, कई बार गलती ये भी हो जाती है, इन्होंने पूछा है कि तो इसमें विक्रय मूल्य में कितने रुपये की वृद्धि करनी होगी। तो विक्रय मूल्य में देखिए, आप पहले कितने में बेचते थे? 420 रुपये में बेचते थे, अभी 455 में बेचते हो, तो कितने की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि आपकी हुई है 35 रुपये की, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 35 रुपये की वृद्धि करके बेचेंगे तो आपका कितना 20% की बजाय 130%, यानी कि 30% प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, और लगातार मैं इसी तरीके से वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा जब तक लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं। जितना मैं आपको बताया था कि लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, और जितना ईजी मैं सोच रहा था, अब दूसरी बात यह भी है कि कोई हेल्प नहीं करना चाहता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी लाइव क्लासेस के बारे में, तो मैं पूरा सेटअप तैयार है, बट कुछ चीज़ें हैं अटक रही है जो जिनके बारे में नहीं पता है, तो उनके बिना लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी स्टूडेंट को पता हो
टेक्निकली कुछ ज़्यादा नॉलेज हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरे टॉपिक स्टडी फेसबुक पेज, टॉपिक स्टडी इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा और मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको सर्च करना होगा टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी PDF है तो उनको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।